नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और 451 की बात कर लेते हैं। पाठ संख्या 451। संख्या पर मत जाइएगा, ये बहुत दिखाई देता, और 900 के आसपास वीडियो हो गए हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि ये वीडियो कई बार देख चुके हैं। जब हमसे संवाद होती है तो बताते हैं कौन भाषा में लोगों ने नोट्स नहीं बनाया, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में, उड़िया भाषा में लोग अपना बनाते हैं और हमको सूचना देते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और आज बात कर रहे हैं मकर लग्न में शुक्र की, और 8वें स्थान तक बात हो गई थी, अब 9वें से लेकर के 12वें स्थान तक की बात करते हैं। तो ये चीज चूंकि ये आखिरी पाठ है तो इसको दोहरा देना चाहेंगे। शुक्र काल पुरुष की पत्रिका में कहाँ का स्वामित्व रखता है ये याद रखना है। शुक्र स्थिर कारक कहाँ का है ये याद रखना है। शुक्र वर्तमान समय में किन किन स्थानों का स्वामी है ये याद रखना है। शुक्र शुभ ग्रह है, अशुभ है, पूर्ण योगकारी है ये याद रखना जरूरी है। शुक्र नैसर्गिक रूप से भी शुभ है और तात्कालिक रूप से भी शुभ है ये भी याद रखना जरूरी है। और इन सभी विषयों को अपने दिमाग में रखिए और फिर पत्रिका में देखिए कि उसका प्लेसमेंट कहाँ है, तब समझ सकते हैं कि नवम स्थान में प्लेसमेंट है। इससे अच्छा और प्लेसमेंट हो क्या सकता है कि दशमेश नवम स्थान में है, पंचमेश नवम स्थान में है, लग्न से ये नवम स्थान है, तो लग्न से नवम स्थान में शुभ ग्रह का बैठना, और वो भी जो ग्रह इस पत्रिका को सबसे अधिक सपोर्ट करने वाला है, पूर्ण योगकारी ग्रह है, तो ऐसे स्थिति में नवम स्थान में बैठ करके ये जातक को लाभ प्राप्त कराएगा, जीवन में समृद्धि प्राप्त कराएगा, जीवन में तरक्की प्राप्त कराएगा, एजुकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, हायर एजुकेशन बहुत अच्छा है। पंचमेश नवम में जाए या नवमेश पंचम में आ जाए तो जातक स्वयं बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, और ऐसा नहीं होता है तो उसके संतान ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। हम मानसागरी की बात कर रहे हैं, तो आप लोग जाएंगे तो वहां आप लोग देखेंगे। अब यहां पे बैठेगा तो ये पिता का स्थान है। हम हमेशा आप लोगों को बता दें कि कहीं कहीं बृहथोरा पराशर शास्त्र में दशम स्थान की चर्चा है, अब वो भूल बस है या किया गया है ये नहीं जानते, लेकिन पिता के लिए हमेशा नवम स्थान की ही बात की गई है, और उत्तर भारत में अपवाद स्वरूप ही सही नवम से ही पिता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नवम स्थान में यह है तो पिता सामर्थ्यवान और संपन्न होने चाहिए। तो सबसे पहले तो पिता के बारे में बता देंगे। पिता की प्रवृत्ति भी, पिता का जीवन भी अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि ये शुक्र है, शुभ ग्रह है, और ये भी गुरु हैं, भले ही दैत्य गुरु हों लेकिन ये भी गुरु हैं और ब्राह्मण हैं, सतोगुनी हैं ये कह सकते हैं, मतलब सतोगुनी ग्रह नहीं है, ब्राह्मण होने के कारण मैंने कहा है। सतोगुनी तो तीन ही ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और गुरु। तो चलिए ये सब पाठ बेसिक में आप लोगों को 100 तक में ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठे तो पिता का सुख प्राप्त होगा, पिता संपन्न होंगे, पिता का अभी नाम हो सकता है कि अपने क्षेत्र में हो, भाग्य की वृद्धि होगी, धार्मिक यात्रा या धार्मिक कार्यों में आप सफल होंगे, जीवन बहुत सरलता से गुजरेगा। और यहाँ बैठ करके तीसरे पराक्रम स्थान को दृष्टि दे रहा है, तो छोटे भाई बहन होंगे उससे भी बड़ा प्रेम होगा, नौकर चाकर होंगे उसके भी साथ बड़ा प्रेम से रहेंगे, खेल कूद में भी रुचि हो सकती है, शुक्र की दृष्टि है, तीसरे स्थान पर हो सकता है कि एक्टिंग में, कला के क्षेत्र में आपका विशेष ध्यान हो जाए, तो कला के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, खेल कूद में भी जा सकते हैं, भाई बहनों का प्यार मिलेगा, पिता संपन्न होंगे और पिता की पर्सनालिटी भी आकर्षक होगी, ये हम कह सकते हैं कि नवम स्थान में यदि हमारा शुक्र स्थित हो तो इस प्रकार का फल करता है। अब यहाँ से शुक्र को ले लेते हैं दशम।
अब इस यहाँ बैठ करके ये मालव्य महापुरुष योग बना देता है। लेकिन आप बात को समझिएगा कि क्या हम मालव्य महापुरुष योग बना देगा, हम अपने विषय वस्तु में पढ़ाते हैं केंद्राधिपत्य दोष, केंद्र के अधिपति होने का दोष शुभ ग्रहों को लगता है तो इसको भी लग सकता है। तो ऐसे में शुक्र यदि वक्री हो जाए तो और अच्छा, ऐसे में शुक्र यदि किसी अशुभ ग्रहों के साथ जैसे सूर्य ही है उसके साथ बैठा हो तो और अच्छा, नहीं तो किसी एक अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, बहुत अशुभ ग्रह से दृष्ट हो गया तब तो फिर ये पीड़ित हो जाएगा। तो मालव्य महापुरुष योग तभी बनेगा जब केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगेगा। तो केंद्राधिपत्य दोष वाला चैप्टर आप लोग पढ़िएगा। अब शुक्र दशम दशमेश दशम में हो तो जीवन में विलंब नहीं होता, बहुत देर नहीं लगती, पढ़ाई खत्म होता है, कैंपस सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा देखते ही बोल देंगे। दशा किसी की चल रही हो लेकिन शुक्र सप्तम दशम का दशम में ही बैठा, कैंपस सिलेक्शन होगा, कैसा जो रोजगार अच्छा अच्छा मिलेगा, अच्छे जगह पे प्लेसमेंट हो जाएगा, अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा और जहां काम करेंगे वहां डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसके लिए काम करेंगे वो डेवलप कंपनी कैसे करे उसकी बात करेंगे। तो ऐसे जातक मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं और यदि डेवलपमेंट के क्षेत्र में मैनेजमेंट कर लिया तो इसके लिए तरक्की करने का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। आजकल विषयों की कमी नहीं है, कई प्रकार के विषय, 60 या 64 विषय की बात हमारे शास्त्रों में कही गई है, लेकिन अब तो 500 से भी अधिक प्रकार के विषयों को लोग पढ़ते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दिया गया है विषयों को। इसीलिए करियर के लिए आप लोगों का आग्रह था तो करियर कैप्सूल कोर्स शुरू हो गया है, आगे फिर अगले साल नवंबर दिसंबर में आएगा, तो जो लोग छूट गए हैं अगले साल नवंबर दिसंबर में आकर के फिर क्लास अटेंड कीजिएगा। तो करियर भी इसका बहुत अच्छा रहेगा, अपने सहकर्मियों के साथ व्यवहार भी अच्छा रहेगा, खुद भी ऊपर उठना चाहेंगे और अपने साथ के लोगों को भी उठाना चाहेंगे। आप देखते होंगे कई लोग एक कंपनी छोड़ते हैं तो एक टीम लेकर के दूसरी जगह चले जाते हैं कि हमको हटा रहा है तो चलो तुम लोगों को भी वहाँ नौकरी लगाते हैं, सबका प्रमोशन होता है, सबका पदोन्नति होता है, सबका सैलरी बढ़ता है और अब दूसरे कंपनी के लिए काम करते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो टीम को लेकर के निकलते हैं, तो वो ऐसे ही लोग होते हैं जो एक अपनी टीम बना के रखे होते हैं कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो ऐसे लोगों को लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारी कंपनी में आ जाए, हमारे कंपनी में काम करें। अगर वो कहेगा कि हमको ज्वाइन कराओगे तो मेरे ये 5 टीम के लोग हैं, इन 5ों को ज्वाइन कराना है, तो वो भी एग्री कर जाते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में आपको हम पार्टी में लेंगे तो आपके जो चेला चपाटे 5-10 हैं उन सबको भी ले लेंगे, तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ऐसा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चतुर्थ स्थान को देखता है तो किसी भी प्रकार के सुख सुविधाओं में कमी नहीं होगी, जीवन में हर एक प्रकार का सुख सुविधा आपको प्राप्त होगा, भूमि का, भवन का, वाहन का, माता का सुख प्राप्त होगा, माता के तरफ से बहुत सहायता प्राप्त होगी, माता का प्यार बना रहेगा। ये सभी बातें यहाँ दशम स्थान में यदि शुक्र हो तो हम लोग कर लेते हैं। अब एकादश में, एकादश में तो सभी ग्रहों को बहुत अच्छा कह दिया गया है, तो यहाँ शुक्र है तो क्यों नहीं अच्छा होगा। अब लग्न से एकादश में है दूसरे स्थान से, याद रखिएगा काल पुरुष की चर्चा कर रहे हैं, दूसरे स्थान से दशम में है, सप्तम स्थान से पंचम में है, इस स्थान से सप्तम में है, इस स्थान से दूसरे में है, तो कहीं से 6-8-12 की चर्चा हुई ही नहीं। इसका मतलब है कि शुक्र एकादश स्थान में बैठ करके अच्छा रिजल्ट करेगा, यहाँ बैठ करके पद दे रहा था तो यहाँ बैठ करके पदोन्नति दे देगा। तो दशमेश एकादश में हो तो क्रम से आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे और सफल हो जाएंगे, हमेशा जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे।
तो इसीलिए एकादश स्थान में बैठ करके हमने जितनी भी बातें बोली, जहाँ जहाँ का इस स्थान से सप्तम में, इस स्थान से दूसरे में है, अर्थात तात्कालिक रूप से, नैसर्गिक रूप से, काल पुरुष के हिसाब से, कारकत्व के हिसाब से, सभी से अनुकूल स्थिति एकादश का बनता है। तो इसीलिए एकादश स्थान में है तो वृद्धि की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, पदोन्नति की बात करेंगे। बॉस के साथ बहुत घनिष्ठ रिश्ता हो, ऐसे जातक को बॉस से नहीं पटेगा ऐसा नहीं बोलेंगे, बॉस के साथ बहुत घनिष्ठता हो, अपने सीनियर के साथ हमेशा लगाव रहे, उच्च पद को प्राप्त करें, मंत्री जैसे पद को प्राप्त करें, और पंचम स्थान को देख रहा है तो विवेकी होंगे, हायर एजुकेटेड होंगे। तो कितना सरल है ना किसी भी विषय को, यदि आप तरीके से समझना चाहते हैं। इसको तो सब जानता है, इसको तो मैं ना भी बताऊं तो आप लोग भी जानते हैं। कहते हैं बारहवें में शुक्र, एक ही चीज अच्छा लगता है, सब ज्योतिष एक बात पे तैयार हैं कि बारहवें में शुक्र जो है अपने उच्च का होता है काल पुरुष के अनुसार, यहाँ उनको काल पुरुष याद आता है और कहीं नहीं। सप्तम में शनि को देखते ही भिदक जाते हैं, जबकि सप्तम में शनि उच्च का होता है काल पुरुष के अनुसार, लेकिन उनको बारहवां वाला बहुत याद है। वो भी क्यों याद रखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो सैया सुख देते हैं तो ऐसी बातें करने में उनको आनंद मिलता है कि यहाँ बैठेगा तो सैया सुख प्राप्त करेगा, सांसारिक सुख भोगों को प्राप्त करेगा, ये द्वादश का शुक्र को दोष नहीं लगता, अष्टम के स्वामी होने का दोष सूर्य को नहीं लगता, चंद्रमा को नहीं लगता, ये भूल जाएंगे। वहाँ सूर्य बैठा है तो कह देंगे अष्टम का दोष सूर्य को नहीं लगता, आपको तो पता है नहीं क्या बोल गए। लेकिन यहाँ पे सबको पता है कि शुक्र बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप उतना भी अच्छा यहाँ पे शुक्र को मान करके ना चले। ठीक है, जीवन में प्लीजर देता है, लेकिन यहां से जेल यात्रा भी शुक्र करा सकता है, क्यों नहीं करा सकता? अपने स्थितियों के अनुसार सैया सुख दे सकता है, तो सैया सुख जब दे सकता है तो जेल यात्रा कौन कराएगा? कोई दूसरा आएगा? नहीं आएगा। अपव्ययी हो सकते हैं, जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि यह व्यय स्थान है। अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, ये द्वादश में बैठने का दोष है। और बैठ करके छठे को देखेंगे तो न चाहते हुए भी शत्रु पैदा हो जाएगा। हार्मोनल दोष इसलिए भी बताया क्योंकि ये छठे को देख रहे हैं, तो छठे को देखने वाले ग्रह या छठे में स्थित ग्रहों के गुण के अनुसार रोग हो सकता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स प्रारंभ हो रहा है जनवरी में, लेकिन आप लोग जो YouTube से आते हैं उन लोगों के लिए पहले एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी को ही पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ यदि मजबूत हो जाएंगे तो हर विषय को स्वतः समझने लगेंगे। अगर प्रिडिक्टिव प्रैक्टिस में आप अच्छे नहीं होंगे, फलित ज्योतिष में अच्छे नहीं होंगे, तो आप किसी भी ज्योतिष के विषय को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए आना होगा तो एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में, जनवरी से बैच शुरू हो रहा है, 14 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा, वहाँ नामांकन करा लीजिएगा। तो ये छठे से देखेंगे तो ऋण के लिए आवेदन दिए हैं तो मिल जाएगा भाई, क्योंकि आपको परेशानी कर देना है ऋण दे करके। न चाहते हुए भी कोई शत्रु खड़ा हो जाएगा, जीवन में संघर्ष आ जाएगा। इसीलिए शुक्र को बारहवें में देख करके जितने लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं उसमें इन सभी बातों को भी शामिल कर लीजिएगा। अब इस स्थान से छठे में है, इस स्थान से आठवें में है, इस स्थान से ग्यारहवें में है, लग्न से बारहवें में है, तो ये भी तो समझ पा रहे हैं ना आप कि यहाँ से छठा बोला, यहाँ से आठवां बोला, तो यहाँ छठा आठवां और बारहवां भी आ रहा है। इसीलिए शुक्र द्वादश में बैठ करके इतना अच्छा भी फल नहीं करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को सरलता से समझते होंगे। बस अपना ध्यान बनाए रखिए। हम बोलते नहीं हैं कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कर लेंगे तो आपको फायदा होगा कि नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा।
लोग कई प्रकार का सलाह हमको देते हैं कि आप बोलते नहीं हैं, आप इसमें कुछ विशेष तामझाम नहीं लगाते हैं। हमने कहा कि हमारे जितने लोग हैं सब इसी में संतुष्ट हैं, ऐसा ही रूप सबको पसंद है तो हम इसी रूप में हैं। लेकिन फिर भी कहेंगे शेयर सब्सक्राइब करें तो हमारी हमारा जो संवाद है, हम जिस विषय को जिस उद्देश्य को लेकर के चले हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक यदि पहुँचेगा तो ये काल सर्प और गुरु चांडाल अंगारक इन सबसे तो उनको मुक्ति जरूर मिलेगी। और यदि हम एक लोगों को भी मकड़ जाल से बचा सकें तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। तो आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।